الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پڑھ کر کے آپ کو سنائی. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر اور مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے گھر اور مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ جو پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ مقبوض اگر کوئی چیز روئے زمین کے اوپر اگر کوئی ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز اگر روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بازار ہے. کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نماز کا جو سب سے اہم رکن ہے سجدہ، اللہ کے سامنے پیشانی کا جھکانا، تو یہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے. اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکانا، اس وجہ سے مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے. اور اس
धरती के ऊपर जमीन के ऊपर सबसे मुअज्जज अगर कोई जगह है तो अल्लाह का घर है। ये दुनिया में बहुत सारी जगह है, तमाम जगहों के अंदर अगर नसीब वाली कोई जगह है, नसीब वाली कोई जगह है तो जमीन के ऊपर नसीब वाली जगह वो है जिस जगह के ऊपर मस्जिद तामीर हुई है। जैसे इंसानों के नसीब हुआ करते हैं, ऐसे जमीन के भी नसीब हुआ करते हैं। बाज़े जमीन नसीबदार होती है कि उस जगह के ऊपर अल्लाह का घर और मस्जिद तामीर होती है। मैं आप हज़रात के सामने मस्जिद के सिलसिले में इसलिए बात अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मसाजिद के ऊपर बहुत ज्यादा हालात हैं और हम खबरों को सुनते हैं कि क्या हालात हैं और हमारी मस्जिदें कितनी महफूज हैं और कितनी मस्जिदें महफूज नहीं हैं और उनकी हिफाजत की क्या शक्ल है, उनकी हिफाजत की क्या तदबीर है। इस सिलसिले में आप हजरात के सामने मुख्तसर वक्त में बात अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद ये ऐसा इस्लामी मरकज है, मस्जिद ये ऐसा इस्लामी मरकज है कि उसके जरिए से अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया जाता है और उसके जरिए से मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को एक सबक दिया जाता है कि अपने दीन पर अपने मजहब के ऊपर कैसे कायम रहना और उसके जरिए से ये तालीम दी जाती है और ये सबक दिया जाता है कि अपने ईमान को कैसे बाकी रखना। अगर दुनिया में मस्जिद सही सलामत नहीं है, मदारिस सही सलामत नहीं है तो हम अपने ईमान को सही सालिम नहीं रख सकते हैं, अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। कि मस्जिद में जब बंदा नमाज के लिए आता है तो दिल को सुकून मिलता है और वजू करता है तो कल्ब के अंदर राहत मिलती है और नमाज पढ़ता है तो दुनिया की सारी फिक्रों से आदमी खाली हो जाता है और एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और फिर जिक्र करता है, तिलावत करता है, दुआएं करता है तो और ज्यादा मस्जिद के अंदर मजा आता है, सुकून मिलता है और फिर यही मिंबर से लोगों को अच्छे अखलाक की तालीम दी जाती है कि किस तरीके से मुआशरे के अंदर अखलाक के साथ में रहना, बच्चों के साथ में रहना, बूढ़ों के साथ में रहना, घर वालों के साथ में रहना, अपनी बीवियों के साथ में कैसे रहना, इसकी तालीम मस्जिद के अंदर दी जाती है और इसी मिंबर से लोगों को बतलाया जाता है कि किसी के साथ में धोखाबाजी न करना, किसी के साथ में गलत न करना, किसी के साथ में झूठ न बोलना, किसी की गीबत न करना, किसी के माल को चोरी न करना और हराम कामों के अंदर मुब्तला न होना, हलाल कामों की तरफ मुतवज्जे होना और दिन के कामों के अंदर अपने आप को लगाना, अपनी कब्र की तैयारी करना, अपनी आखिरत की तैयारी करना और अपनी जन्नत को बनाना और अपने आप को जहन्नम से बचाना, ये सारा सबक हमें मस्जिद के जरिए से मिलता है। आज बुजुर्गों फिरका परस्त ताकतें हमारी मस्जिदों को निशाना बना रही है और फिरका परस्त ताकतें इसके ऊपर हमलावर हो रही है और उसके लिए लोगों के पास में, अदालतों के पास में सर्वे करा रही है कि इस मस्जिद के अंदर हमारी इबादतगाह थी और इस मस्जिद के अंदर हमारी जगह है, फुला मौके के ऊपर इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ सूबे के अंदर, स्टेट के अंदर मस्जिदों का
सर्वे कराया जा रहा है। आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर मालूम है अरे 6 दिसंबर को कौन सा हादसा पेश आया था? आज ही की तारीख में, आज ही के दिन में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 1992 के अंदर 6 दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। जिस वक्त बाबरी मस्जिद का कज़िया और लड़ाई चल रही थी और इसी तरीके से लोग इसके अंदर उलझे हुए थे, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग बेघर हुए थे और कितनों की दुकानें जल गई थी, कारोबार ठप हो गया था। उस वक्त के अंदर बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे समझदार तबके के लोग यूं कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का एक मस्जिद का मसला है, अगर मुसलमान समझौता कर ले और मुसलमान हुकूमत से सुलह कर ले और बाबरी मस्जिद को दे दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति कायम होगी। और उस वक्त फिर हम आपस में भाईचारगी के साथ के अंदर रहेंगे, मोहब्बत के साथ में रहेंगे और हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसलिए उस वक्त बहुत सारे दानिश्वर लोग ये मशवरा देने लगे थे और ये कहने लगे थे, यहाँ तक के बाज़े उलमा भी इसमें शरीक हो गए थे कि एक मस्जिद को अगर दे दिया जाए तो फिर उसके अंदर क्या हालत की बात है, फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी मस्जिदों को तो बचा सकेंगे। लेकिन उस वक्त के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना हजरत मौलाना महफूज रहमानी जो उस वक्त हयात थे, उन्होंने कहा था, तुम एक मस्जिद की बात कर रहे हो, मस्जिद के ऊपर हमारा कब्जा नहीं है, मस्जिद ये अल्लाह का घर है और मस्जिद के ऊपर अल्लाह का कब्जा होता है, किसी की मिल्कियत उसके अंदर नहीं होती है कि जब चाहे जिसको चाहे मस्जिद दे दे और जब चाहे जहां चाहे मस्जिद की जगह को बदल दे, जगह भी नहीं बदल सकती है और मस्जिद को भी किसी को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कि अगर तुमने एक मस्जिद को दे दिया तो फिर एक मस्जिद के देने के ऊपर ये बातिल किस्म के लोग दूसरी मस्जिदों की फेहरिस्त बना लेंगे और फिर उसका सर्वे करेंगे कि यहाँ पर भी हमारी इबादत गाह थी और हमारा मजहब का फुला फुला मंदिर था, इस तरीके से दावा करेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर मस्जिद का सर्वे किया जाए, यहाँ पर ये मस्जिद का सर्वे किया जाए। और जो खतरा मौलाना महफूज रहमानी साहब को था वो खतरा आज हमारे सामने है और हो रहा है ये खतरा कि एक मस्जिद शहीद हो गई और लोगों के पास में चली गई तो आज जगह जगह अलग अलग सूबे के अंदर मुख्तलिफ मस्जिदों की फेहरिस्त बना ली गई और उसका सर्वे किया जा रहा है, जमीन की खुदाई की जा रही है कि यहाँ पर हमारा ये पत्थर है और ये हमारी जगह है। सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं था, हम अल्लाह वालों की जो पहुंच होती है और उनका जो इल्म होता है और उनके पास के अंदर जो सलाहियत होती है वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। जो मौलाना महफूज रहमानी साहब ने बरसों पहले ये बात कही थी कि इस तरीके से ये मस्जिद हमारी नहीं है, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें ये अल्लाह का घर है, मस्जिद के अंदर अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो। आज देखो ज्ञानवापी की मस्जिद का मसला चल रहा है और मथुरा की शाही मस्जिद का मसला चल रहा है, इसी तरीके से इस वक्त संभल के अंदर जो हालात पेश आए, 5 नौजवान शहीद हो गए और इसी तरीके से अजमेर दरगाह के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हमारी जगह है, उसका सर्वे किया जाए और इसी तरीके से मुख्तलिफ सूबे के अंदर मुख्तलिफ मस्जिदों के एतबार से दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमारा कब्जा हो जाए। मुसलमान बुजुर्गों दोस्तों ख्वाब गफलत के अंदर सोया हुआ है और नमाजों को जैसा पढ़ना चाहिए ऐसी नमाजें भी नहीं हमारी अदा हो रही हैं।
और दुनिया में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रही हैं, और इस वक्त हमारे पास में मस्जिदों को महफूज रखने के लिए एक ही शक्ल है कि अपनी मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा आबाद करें। ये ईमान वाले आबाद नहीं करेंगे, और जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो नमाजों को एहतमाम से पढ़ता नहीं है, वो कभी मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, वो कभी मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे। क्यों नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है कि उसके दिल में खौफ खुदा ही नहीं है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है कि उसके दिल में खौफ खुदा नहीं। और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं है वो मस्जिद को कैसे बचाएगा। आज इतने सारे बुजुर्गों हालात हैं, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, इतने सारे हालात हैं और इतनी मस्जिदें शहीद हो रही हैं और मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है, इसके बावजूद भी मुसलमान अपनी जुमा की नमाज के ऊपर मुतमईन किया हुआ है, अपने जुमा की नमाज के ऊपर मुतमईन किया हुआ है कि मैं जुमा की नमाज पढ़ रहा हूँ, और दुनिया में चर्चा कर रहा है कि ये हालात है, वे ऐसे हालात हैं, यहाँ फुला जगह के ऊपर ये हालात हैं, फुला जगह के ऊपर इतने शहीद हो गए और इस तरीके से मदारिस शहीद हो गए। हालात ये चर्चा करने से और इसी तरीके से बाजारों में बातें करने से दूर नहीं होंगे, ये हालात और ये मस्जिदें हमारी महफूज होगी, हालात दूर होंगे तो ये मस्जिद को आबाद करने से, मस्जिद को आबाद करने से। और ईमान वाले ही मस्जिद को आबाद करेंगे, और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले ही मस्जिद को आबाद करेंगे। कितने नौजवान हैं और कितने मुसलमान हैं कि जो 100% नमाजों को एहतमाम के साथ में अदा कर रहे हैं, 100% अदा कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो नमाज का एहतमाम ही नहीं करते हैं। और ये हालात से पहले हमारी नमाज के क्या हालात थे, हमारी नमाज का क्या हाल था, अब हालात शुरू हो गए हैं उसके बाद के अंदर हमारी नमाज में कितनी तब्दीली आई और हमारी मस्जिद के अंदर कितना बड़ा हुजूम हुआ, कितने नमाजी बढ़े, ये जो थे वही नमाजी हैं, बाजे में थे बाजे मस्जिदों में तो जो थे वो भी नहीं रहे। हालात तो हमें सबक देता है, हमें पैगाम देता है कि हम मस्जिद को आबाद करें, अपनी मस्जिद को बचाना है तो, अपनी मस्जिद की हिफाजत करना है तो। और जैसे जुमा की नमाज का मंजर होता है और जैसे रमजान की नमाज का मंजर होता है, ईद की नमाज का मंजर होता है, वो मंजर हम अपनी पांचों वक्त की नमाजों के अंदर पेश करें, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंख उठा करके देखे कि हमारा ऐसा रौब लोगों के ऊपर छा जाएगा, हमारा ऐसा दबदबा लोगों के ऊपर छा जाएगा। अभी चंद दिन पहले अखबार की सुर्खी के अंदर ये बात आई थी, आपने भी पढ़ी होगी, मोबाइल के अंदर ये छोटा सा एक पेज किसी ने भेजा था और उसमें लिखा हुआ था कि एक जगह के ऊपर किसी ने मस्जिद की अजान के खिलाफ अर्जी दाखिल की कोर्ट के अंदर, मस्जिद की अजान के बाबत में कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की कि इस मस्जिद के अंदर पांचों वक्त की अजान स्पीकर के अंदर होती है और हमारा गैर का इलाका है, लोगों को तकलीफ पहुंचती है और हम देख रहे हैं कि मस्जिद में कोई नमाजी भी नहीं आ रहा है। ये लिखा हुआ था कि अजान स्पीकर में हो रही है और बिरादर-ए-वतन गैर मुस्लिम ये दावा कर रहे हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ अजान होती है लेकिन नमाज के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान को बंद किया जाए। ये अर्जी दाखिल की थी। आज बुजुर्गों दोस्तों हालात खुशगवार नहीं है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस वक्त मस्जिदों के ऊपर बातिल की नजर है। ऐसे वक्त के अंदर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि पांचों वक्त की नमाजों का एहतमाम करे, कि अपनी मस्जिदों को नमाजों से भर दे। लेकिन मुसलमान जानबूझकर के नमाज छोड़ रहा है। कितने नौजवान ऐसे हैं,
اور کتنے مسلمان ایسے ہیں رات کو سوتے وقت 8 بجے اٹھنے کی نیت کر کے سوتے ہیں, فجر کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے, کوئی 10 بجے اٹھنے کی نیت کر کے سوتے ہیں, تو کوئی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح 7 بجے اٹھنے کی نیت کر کے سوتے ہیں, لیکن یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ 5:30 بجے 6 بجے اذان فجر کی ہوگی, مجھے نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کے اندر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. اسکول کے لیے والدین اٹھ جاتے ہیں, چھوڑنے والے اٹھ جاتے ہیں, اور اس کے لیے دور دور تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں, چاہے ٹھنڈی ہو, چاہے بارش ہو, چاہے گرمی ہو, لیکن امت پر یہ حالات ہیں, مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور مسجدوں کو دوسرے مذہب کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی فکر نہیں, اپنے بچوں کی اسکول کی فکر ہے اور اپنے دھندے اور کاروبار کی فکر ہے اور اپنی کھیتی کی فکر ہے, اپنی دکان کی فکر ہے, لیکن فکر نہیں ہے تو نماز کی فکر نہیں ہے, اور پھر لوگوں میں باتیں کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں, کہ حالات بہت بگڑ گئے, لیکن نماز تو کہ فجر نہیں پڑھوں گا, نماز تو کہ میں وقت ملے گا تو پڑھوں گا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن وہاں پر چند لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں, تو اللہ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں. اگر چند لوگ بھی نہ ہوتے تو اللہ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتے. اس لیے اللہ امت کے اوپر ایسے ہی حالات نہیں لاتے ہیں. بعض وقت بندہ اپنی حالت کو بدلتا نہیں ہے تو پھر اللہ بندوں کی حالت کو بدل دیتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی ہے, اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے. اس لیے اس وقت کے اندر سب سے اہم فریضہ نماز ہے, یہی مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اہم فریضہ ہے اور یہی مسجد کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور روئے زمین پر جیسے میں نے بتایا, سب سے اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو یہ مسجد ہے, اور سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے. اس لیے پسندیدہ جگہ سے محبت کریں گے, مسجد سے الفت رکھیں گے, اللہ ہم سے محبت رکھے گا, اللہ ہم سے محبت رکھے گا. اور جو آدمی کثرت سے مسجد میں جاتا ہے, مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے, اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ وہ آدمی ایماندار ہے جو کثرت کے ساتھ میں نماز کے لیے جاتا ہے. اس لیے اس وقت کے اندر جہاں پر لیگلی کام کرنا مسجد والوں کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے تدبیر کرنا ضروری ہے, وہاں پر سب سے بڑا جو سبب ہمارے پاس میں ہے وہ مسجد کو آباد کر کے, مسجد میں دعائیں کر کے ہم اپنی مسجد کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھے. پیارے آقا علیہ السلام نے امت کو آخری وقت کے اندر دنیا سے جاتے وقت روتے ہوئے یہ سبق دیا, آپ کی زبان مبارک سے برابر الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے لیکن امت کو آپ نماز کی تعلیم دے کر کے گئے, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دے کر کے گئے ہیں کہ اس کا اہتمام کیجیے, اس کا اہتمام کیجیے. آج لوگ اچھے سے اچھے گھر بنانے کی فکر کے اندر ہیں, اچھی سے اچھی گاڑی خریدنے کی فکر کے اندر ہیں, اچھے سے اچھا کپڑا خریدنے کی فکر میں ہیں, اچھے سے اچھا فرنیچر بنانے کی فکر میں ہیں, اپنے گھر کی شادی اچھے سے اچھے رسم و رواج کے ساتھ کے اندر کرنے کی فکر کے اندر ہیں, لیکن فکر نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں, اللہ کے گھر کو آباد کرے. اس لیے ہم اپنی مسجد کو آباد کریں. اور جو علاقے میں دور دور مسجدیں ہیں جہاں پر ہماری آبادی نہیں ہے, کبھی کبھی ان علاقوں میں جا کر کے بھی نماز پڑھے جہاں پر مسجدوں میں آبادی نہیں ہے, کبھی کبھی ان علاقوں کے اندر جا کر کے ایک دو نمازیں پڑھے تاکہ وہ مسجد بھی آباد رہے,
جہاں پر مکانات نہیں ہے, چند دکانیں ہیں اور مسجد ایسے ہی خالی پڑی رہتی ہے. کبھی کبھی اس مسجد کے اندر جا کر قرآن پڑھے, کبھی کبھی جا کر کے ذکر کرے, کبھی کبھی جا کر کے دعا کرے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ مسجد آباد ہے غیر آباد نہیں ہے. اور جب مسجد آباد نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر لوگ دعوے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.